नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। अब आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in फॉर मोर अपडेट्स ऑन GST, इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट एंड TDS। साथ ही आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे नए यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट GST को, अगर आप GST से जुड़ी सभी छोटी से छोटी बातें जानना चाहते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई डॉक्टर, अगर कोई हॉस्पिटल, अगर कोई क्लिनिक आपको हेल्थ केयर सर्विसेज देता है तो ऐसे में GST के प्रोविजंस क्या हैं, ऐसे में GST लॉ क्या कहता है। अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 की, जो कि एग्जेम्प्ट करता है बहुत सारी सर्विसेज को, मींस उन पर GST नहीं लगाया जाएगा। तो नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 में एंट्री दी गई है एंट्री नंबर 74, जिसमें कि बेसिकली बताया गया है कि कब कब हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जम्प्ट रहेंगी, उन पर टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पर कहा गया, सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बाय ए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स। तो यहाँ पर बेसिकली कहा गया कि अगर कोई क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, अगर कोई ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, अगर कोई पैरामेडिक्स हेल्थ केयर सर्विसेज देता है तो ऐसे में वो सर्विसेज एग्जम्प्ट हैं, उन पर कोई भी GST की बात नहीं होगी। तो यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात आती है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट क्या है, ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन है, पैरामेडिक्स में किन किन को कवर किया गया है, और वो कौन सी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं अगर जो प्रोवाइड की जाती है इन तीनों के द्वारा, तो ऐसे में उस पर GST नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमारे लिए चार बातें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट क्या है, ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन है, पैरामेडिक्स किन्हें कहते हैं, और हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या क्या कवर किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज की। हेल्थ केयर सर्विसेज के रिगार्डिंग कहा गया, हेल्थ केयर सर्विसेज मीन्स एनी सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर फॉर इलनेस, इंजरी, डिफर्मिटी, एबनॉर्मलिटी और प्रेगनेंसी इन एनी रिकग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया एंड इंक्लूड्स सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट टू एंड फ्रॉम ए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर कोई भी सर्विस दी जाती है बाय डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का मतलब है कि जब बीमारी की, रोग की पहचान की जाती है, तो ऐसे में अगर आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं और वो आपको बताते हैं कि आपको कौन सी बीमारी हुई है, या फिर उस बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं, उपचार करते हैं और केयर, देखभाल करते हैं, तो ऐसे में ये तीनों ही चीज़ हेल्थ केयर सर्विसेज के अंडर आती है। अब बात आती है कि ये तीनों जो सर्विस दी जाती हैं किसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पर कहा गया या तो इलनेस के रिगार्डिंग, या फिर इंजरी के रिगार्डिंग, या फिर डिफर्मिटी के रिगार्डिंग, एबनॉर्मलिटी के रिगार्डिंग, प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग, अगर ये तीनों सर्विसेज दी जाती हैं तो ऐसे में वो हेल्थ केयर सर्विसेज मानी जाएंगी। तो यहाँ पर इलनेस की मैं अगर बात करूँ, कोई बीमारी अगर आपको है, आप बीमार हैं, कोई इंजरी, कोई चोट आपको लगी है, एबनॉर्मलिटी मेंटली आप डिस्टर्ब हैं, डिफर्मिटी कोई विकलांगता है, और प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग, अगर ये तीनों सर्विस, तीनों में से कोई भी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर दी जाती है, तो ऐसे में ये हेल्थ केयर सर्विसेज कहलाती हैं। और कहा गया कि ये जो सर्विसेज दी जानी है, ये दी जानी है अंडर एनी रिकग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। तो रिकग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया के तहत अगर ये सर्विसेज दी जाती हैं तो ही ये एग्जम्प्ट होंगी, इन पर GST की बात नहीं होंगी। अब बात आती है रिकग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया किसे माना गया है। तो रिकग्नाइज सिस्टम यहाँ पर एलोपैथी को माना गया है, आयुर्वेदा को माना गया है, होम्योपैथी को माना गया है, नेचुरोपैथी को माना गया है, योगा को माना गया है, सिद्धा को माना गया है, और यूनानी सिस्टम के तहत जो ट्रीटमेंट किया जाता है, ये सभी जो आपके सिस्टम है रिकग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया माने जाते हैं। तो इन सिस्टम्स के तहत अगर कोई ट्रीटमेंट आपका किया जाता है तो ऐसे में वो हेल्थ केयर सर्विसेज में इंक्लूड होगा, हेल्थ केयर सर्विसेज में कवर होगा।
अगर मैं बात करूं एक्यूपेंचर की, तो यह रिकग्नाइज सिस्टम नहीं है इंडिया के अंदर, और इसके तहत अगर आपका कोई ट्रीटमेंट किया जाता है, आपका कोई केयर की जाती है, तो ऐसे में उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट नहीं होगा, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। यूरिन थेरेपी जीएसटी जो इंडिया में रिकग्नाइज सिस्टम नहीं है, रेकी, कलर थेरेपी, जेम्स एंड स्टोन थेरेपी, तो ये बेसिकली वो थेरेपीज़ हैं, वो ट्रीटमेंट हैं जो इंडिया के अंदर रिकग्नाइज सिस्टम में कवर नहीं होते हैं। तो ऐसे में इन सिस्टम्स के तहत अगर आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, केयर की जाती है, डायग्नोसिस किया जाता है, तो ऐसे में उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर रिकग्नाइज सिस्टम के तहत आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, केयर की जाती है, तो ऐसे में वो हेल्थ केयर सर्विसेज में कवर होगा और एंट्री नंबर 74 के तहत एग्जम्प्ट होगा। तो यहाँ पर हेल्थ केयर सर्विसेज को हमने देखा, उसके बाद हेल्थ केयर सर्विसेज में कहा गया बट डजंट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी। तो अगर कोई व्यक्ति हेयर ट्रांसप्लांट कराता है और कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी कराता है, तो ऐसे में वो हेल्थ केयर सर्विसेज में कवर नहीं होगा और उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो ध्यान रखें कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी है और उसने अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराता है वो, तो ऐसे में उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, जीएसटी एग्जम्प्ट नहीं होगा। इसी तरह कोई हेयर ट्रांसप्लांट कराता है, तो ऐसे में उस पर भी जीएसटी एग्जम्प्ट नहीं होगा। हालांकि इनके रिगार्डिंग ये कहा गया कि मान लीजिए किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है और जो उसका फेस है वो पूरी तरह डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसको ट्रीट करने के लिए उसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है, तो ऐसे में वो हेल्थ केयर सर्विसेज में इंक्लूड माना जाएगा और उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर कहा गया एक्सेप्ट वेयर अंडरटेकन टू रिस्टोर और टू रिकंस्ट्रक्ट एनाटॉमी और फंक्शंस ऑफ बॉडी अफेक्टेड ड्यू टू कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स, डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज, इंजरी और ट्रामा। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति जल जाता है और उसका फेस बुरी तरह झुलस जाता है, और ऐसे में उसको ट्रीट करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसकी प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, तो ऐसे में वो हेल्थ केयर सर्विसेज में इंक्लूड होगी। लेकिन अगर कोई अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराता है, तो ऐसे में वो हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मानी जाएंगी। उसके बाद बात आती है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट कौन से होते हैं, क्योंकि अगर कोई क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, कोई ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, कोई पैरामेडिक्स अगर हेल्थ केयर सर्विसेज देता है, तो ही वो जीएसटी के दायरे से बाहर है, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग कहा गया, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मीन्स ए हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, सेनेटेरियम और एनी अदर इंस्टीट्यूशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड दैट ऑफर्स सर्विसेज और फैसिलिटीज रिक्वायरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर फॉर इलनेस, इंजरी, डिफर्मिटी, एबनॉर्मलिटी, प्रेगनेंसी इन एनी रिकग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर कोई हॉस्पिटल, कोई नर्सिंग होम, तो यहाँ पर हॉस्पिटल्स को कवर किया गया, नर्सिंग होम्स को कवर किया गया, सैनिटेरियम को कवर किया गया, और उसके अलावा और कोई भी इंस्टीट्यूट जो हेल्थ केयर सर्विसेज देता है रिगार्डिंग इलनेस, इंजरी, डिफर्मिटी, एबनॉर्मलिटी, प्रेगनेंसी किसी रिकग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन के तहत। तो रिकग्नाइज सिस्टम अभी हमने डिस्कस किया था, उसके तहत अगर कोई भी सर्विस दी जाती है, तो ऐसे में उस इंस्टीट्यूट को भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा। उसके बाद साथ ही कहा गया और ए प्लेस एस्टेब्लिश्ड एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी और ए पार्ट ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट टू कैरी आउट डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेटिव सर्विसेज ऑफ डिजीज। तो किसी बीमारी की जांच के लिए, उस बीमारी को पहचानने के लिए, जानने के लिए अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव सर्विस, इन्वेस्टिगेटिव सर्विस मींस कोई टेस्टिंग की जाती है, तो ऐसे में उस सर्विस
को जो भी देगा उसको भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारी पैथ लैब्स देखी होंगी जहां पर जाकर आप कोई भी टेस्ट कराते हैं, आप मान लीजिए ब्लड टेस्ट कराते हैं, यूरिन टेस्ट कराते हैं, तो ऐसे में ये जो पैथ लैब्स होती हैं ये उसकी टेस्टिंग करती है और बताती है कि उसका कितना बेसिकली जो इन्फेक्शन है जो भी है वो आपकी बॉडी में है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर लाल पैथ लैब आपने सुना होगा, तो कोई भी टेस्टिंग आपको करानी होती है तो आप डॉक्टर लाल पैथ लैब पर जाते हैं और वहाँ पर वो बेसिकली क्या करते हैं, वो कैरी आउट करते हैं डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेटिव सर्विस। वो बेसिकली उस बीमारी को पहचानने के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर इस पार्ट के तहत बेसिकली जो है आपकी जितनी भी लैब्स होती हैं उनको कवर किया गया है। तो बेसिकली अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी नर्सिंग होम में, किसी भी सैनिटेरियम में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में जो हेल्थ केयर सर्विसेज देता है या फिर जो सर्विस देता है डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेटिव सर्विस देता है, तो वो क्या है, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट है। और ये जो है अगर हेल्थ केयर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो ऐसे में वो सर्विस एग्जेम्प्ट है। उसके बाद बात आती है ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन है, क्योंकि अगर ये भी हेल्थ केयर सर्विसेज देते हैं वो भी जीएसटी के दायरे से बाहर है, तो इसके रिगार्डिंग यहां पर कहा गया ऑथोराइज्ड प्रैक्टिशनर मींस ए मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड विद एनी ऑफ द काउंसिल, फॉर एग्जांपल इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन एस्टैब्लिशमेंट और रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसके तहत जो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड है उसको ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर माना जाएगा। तो जनरली आप लोग देखते हैं जो MBBS है, BAMS है, बेसिकली जो डॉक्टर की डिग्री उनको मिलती है वो बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन के तहत उनको मिलती है, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ होती है, तो ऐसे में उनको क्या माना गया है, ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर माना गया है और वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो लोगों की देखभाल कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं उनको। और इसमें साथ ही कहा गया इंक्लूड्स ए मेडिकल प्रोफेशनल हैविंग द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन टू प्रैक्टिस इन एनी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया एज पर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो बेसिकली एक मेडिकल प्रोफेशनल है जिसके पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, जिस क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है वो क्वालिफिकेशन है और वो इंडिया के सिस्टम के तहत प्रैक्टिस करना चाहता है, तो ऐसे में वो भी इसके अंदर कवर किया जाएगा। इसके जरिए बेसिकली जो फॉरेन डॉक्टर्स हैं जिनके पास फॉरेन डिग्री है उनको कवर किया गया है। तो ये लोग अगर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो एग्जम्प्ट हैं। तो यहाँ पर जितने भी आपने देखा होगा छोटे छोटे क्लिनिक बना लेते हैं जो डॉक्टर्स, वो यहाँ पर कवर किए गए हैं ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के तहत। उसके बाद बात की गई पैरामेडिक्स की, तो बेसिकली पैरामेडिक्स जो है वो आपका जीएसटी में डिफाइन नहीं है, लेकिन पैरामेडिक्स जनरली क्या होता है, जो डॉक्टर्स के लिए डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं उनको बेसिकली पैरामेडिक्स कहा जाता है। द वर्ड पैरामेडिक्स हैज़ नॉट बीन डिफाइंड, हाउएवर द जनरल मीनिंग इज ए पैरामेडिक्स इज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल पैराडोमिनेंटली इन द प्री हॉस्पिटल एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। तो आपके घर से लेकर आपके हॉस्पिटल पहुंचने तक जो इन बिटवीन आपको ट्रीट करता है, इन बिटवीन आपको सर्विस देता है, उसको बेसिकली पैरामेडिक्स कहा गया है। एंड वर्किंग मेनली एज ए पार्ट ऑफ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज सच एज ओन एन एम्बुलेंस। तो किसी एम्बुलेंस के अंदर बेसिकली जो आपको ट्रीट करता है प्रोफेशनल, उसको पैरामेडिक्स कहा जाता है और इनको भी कवर किया गया है इस नोटिफिकेशन के तहत। तो ये लोग भी जो सर्विस देते हैं वो आपकी जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो यहाँ पर अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर कोई क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, कोई ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, कोई पैरामेडिक्स अगर हेल्थ केयर की सर्विसेज देते हैं तो वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। पैरामेडिक्स, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट और हेल्थ केयर सर्विसेज को हमने अच्छे से समझने की कोशिश की है। उसके बावजूद अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके, टाइप करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।